आपका शुक्रिया। बताएं कौन सी ब्रीड लेकर आए? अमेरिकन पिटबुल। अमेरिकन पिटबुल है जी। सर कथा कथा ये कहाँ की ब्रीड है? ये जी मैटर सॉल्व हो गया, जो चोरी का डॉग आया था जी वो उन दोनों पार्टियों को आपस में कंप्रोमाइज करवा दिया था। मैं कौन सी नस्ल का डॉग लेकर आए? अल्सेशियन। अल्सेशियन है ये जी। क्या डिमांड करें इसके आप? इनको चाहिए था लॉन्ग कोट में। लॉन्ग कोट के प्राइस डिफरेंट होते हैं शॉर्ट कोट में। ये क्या लेकर आया आज? कैट्स के बेबीज लाए और रशियन का एक मेल ला। कैट्स कौन सी है? ये पर्शियन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप लोग देख रहे हैं जमशेद आसमी इन्फॉर्मेटिव चैनल। मैं हूं आपका मेज़बान जहाज़ीब जमशेद। प्रोग्राम को शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से। बाकी तमाम हमारे गैर मुस्लिम व्यूअर्स को हेलो और रिस्पेक्ट। एक बार फिर से आप व्यूअर्स को लेकर आए हैं सदर संडे डॉग मार्केट में। इंशाल्लाह आपको यहाँ का मुकम्मल विज़िट करवाएंगे। लेकिन आप लोग को बता दूं कि कराची में आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, 3-4 रोज़ से बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। 40 डिग्री तक टेम्परेचर जा रहा है कराची का, जिसके बायस आज मार्केट में डॉग सेलर बहुत ही कम मौजूद है। लेकिन फिर भी यहाँ पे कवरेज करेंगे, जितने भी सेलर्स मौजूद होंगे जो भी ब्रीड आई होगी वो आपकी खिदमत में पेश करेंगे, आपको मार्केट दिखाएंगे। तो आइए चल के विज़िट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? खैरियत से? करम आप सुनाए कि अल्लाह का शुक्रिया। बताएं कौन सी ब्रीड लेकर आए? सर अमेरिकन पिटबुल। अमेरिकन पिटबुल है ये जी। पेडिग्री नॉन पेडिग्री? इसके पेरेंट्स पेडिग्री हैं और ये नॉन पेडिग्री है। प्योर हैं ये। ये नॉन पेडिग्री है, इसके पेरेंट्स पेडिग्री थे। यस ठीक है। क्या डिमांड कर रहे हैं इसके आप? 35,000। 35,000। इसकी एज बताइएगा? ये 2 मंथ्स। 2 मंथ्स इसकी एज है। अच्छा, डाइट वगैरह में क्या देना है इसको? सर इसको चिकन देते हैं, चावल देते हैं और दही देते हैं। अच्छा सर, इसको उठा के दिखाइएगा इसका फेस। चिकन दही और चावल देते हैं? यस। प्योर ब्रीड है सर माशाल्लाह। मेरा अपने वैक्सीनेशन करवाई आपने? सर अब होगी, 2 महीने 45 दिन के बाद होती है, फर्स्ट वैक्सीन होने वाली है। मेल है? फीमेल है। फीमेल है ये जी। अगर कोई खरीदना चाहेगा फाइनल कितने के देंगे? मैं आपके व्यूअर्स के लिए 30 में दे दूंगा। 20 या 30 के अंदर 30 तक में देंगे जी। ठीक है, अपना नाम बताएं। कौन? मोहम्मद शाहजेब नाम मेरा नाम है। 03413667111 मेरा नंबर। अच्छा, कहाँ से आए आप? सर मैं गुलशन इकबाल से। अच्छा, ये डॉग बेचने की वजह? सर असल में मेरे पास और भी हैं और इस जगह नहीं थी, बाकी इसके बड़े भी पेरेंट्स मेरे पास हैं, और भी पपीज थे वो सेल आउट हो गए। मेरा शौक भी है और कारोबार भी है। जी जी जी। चलें, बहुत शुक्रिया, जजाकल्लाह सर। वेलकम वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? खैरियत से? खैर। ये बताएं कौन सी नस्ल का डॉग है? ये खथा जिनसे। खथा? खथा। ये कहाँ की ब्रीड है? ये क्वेटा का है। क्वेटा का? क्वेटा की है जी। क्या मांग रहे हैं इसके आप? मैं 25,000। 25,000 मांग रहे हैं जी। अच्छा, लड़ाई वाला है ये? हाँ ठीक है। बताएं इसकी एज कितनी है? 4 महीने का है। 4 महीने का ये जी। हाँ। और इसको खिलाते क्या हैं आप? इसको गोश्त, दूध, रोटी, जो तुम्हारा दिल कर दे दो। ठीक है। इसकी वैक्सीनेशन हुई भी है? जी हाँ। कम्प्लीट है? वैक्सीनेशन के पेपर्स वगैरह हैं कम्प्लीट आपके पास? नहीं नहीं, वो नहीं है। पेपर्स नहीं है? ठीक है। बताएं अगर कोई खरीदना चाहेगा फाइनल कितने की देंगे ब्रीड? हम उसको देंगे जो मार्केट का रेट होएंगे। हम तो नए हैं अभी, हमारे को पता नहीं। फाइनल रेट बता दें? फाइनल 10,000 में दे देंगे। 10,000 में दे देंगे जी हाँ। ठीक है, अपना नाम बताएं, कॉन्टेक्ट नंबर शेयर करते हैं। बाबू। बाबू नाम है आपका। फ़ोन नंबर बता दें? फ़ोन नंबर मेरे को पता नहीं, मोबाइल में से निकालना पड़ेगा जी। बताएं नंबर। 030 ये आप लिख दो। इनका नंबर है 03043174880। ठीक है, आपका नंबर है? ठीक है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है। बताएं कौन सी नस्ल का डॉग लेकर आए? अल्सेशियन। अल्सेशियन है ये जी। क्या डिमांड करें इसके आप? 60,000। 60,000? 7,000 रुपये। 60,000? 60,000 रुपये जी। अल्सेशियन प्योर है क्रॉस है ये? प्योर है। प्योर है ये जी। ठीक है, ये बताएं कि इसकी वैक्सीनेशन करवाई आपने? हाँ जी किया है। वैक्सीनेशन हुई है इसकी? हाँ, इंजेक्शन हो गया है। अच्छा, क्या खिलाते हैं इसको? गोश्त। गोश्त खिलाते हैं जी। कितना टाइम देते हैं इसको आप? पूरा दिन इसी के साथ होता है, फारिग होता है। फारिग होते फिर इसी के साथ होता है। ठीक है, ये बताएं कि आपने इसको ट्रेन किया? नहीं नहीं नहीं, ट्रेन नहीं करा आपने इसको। ठीक है, बताएं अगर कोई ख़रीदना चाहेगा फाइनल कितने का देंगे डॉग? 50,000। 50,000 में देंगे जी। ठीक है, अपना नाम बताएं, कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करें। शाहनवाज़। 03 31 13 37 610। अच्छा, रहाइश कहाँ पर आपकी? मच्छर कॉलोनी, स्टार वन स्कूल। ठीक है, ये भी बता दें बेचने की वजह क्या है? शौक पूरा हो गया। शौक पूरा हो गया जी, इसे सेल कर रहे हैं। चलें, बहुत शुक्रिया।
तो व्यूवर्स आप लोगों को बता दूं कि मार्केट में एक चोरिया कुत्ता आ गया था, जो पकड़ा गया उसका जो ऑनर था यहाँ पर आया था, उसने देखा तो बताया कि ये मेरा कुत्ता है। उसने मोबाइल में तस्वीरें भी दिखाई प्रूफ के साथ कि ये मेरा कुत्ता है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कितना रश लगा हुआ है, पुलिस वाले भी यहाँ पर आ गए। आइए देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पर। पुलिस वाले यहाँ पर आए हुए हैं, पुलिस वाले कोशिश कर रहे हैं कि मैटर को सॉल्व करें। यहाँ पर जिन साहब के पास ये डॉग है वो कह रहे हैं कि उन्होंने किसी से ख़रीदा था, उनको खुद भी नहीं पता था कि ये चोरी का कुत्ता है। लेकिन यहाँ पर जो साहब आए हुए हैं वो यही बता रहे हैं कि ये जो डॉग है ये किसी और से ख़रीदा। तो हम लोगों ने यही कहा उनको कि जिससे आपने ख़रीदा आप उनको बुला लें यहाँ मार्केट में, तो वो अभी कॉल रिसीव नहीं कर रहे हैं। और पुलिस वाले जो हैं यहाँ पर मामला को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जाहिर सी बात है इसका डॉग है उसको तो चाहिए होगा, उसकी फैमिली के साथ अटैच है, वो तो चाहता है कि वापस अपने डॉग को लेके जाए। हालांकि उसने जो यहाँ पर बेचने के लिए आया डॉग उसको ऑफर भी दिया कि आप 5,000 रुपये ले जाओ और मुझे डॉग दे दो, लेकिन फिर भी वो देने के लिए तैयार नहीं है। तो आप लोग देख सकते हैं अभी ये मामला चल रहा है। अब पुलिस वाले यहाँ पर जो डॉग लेकर आए थे उनको गाड़ी में बैठा रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे साथ पुलिस ऑफिसर मौजूद है, आईएन से बात करते हैं, उन्होंने मैटर को सॉल्व किया है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम भाई, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र जी। मैटर सॉल्व हो गया, जो चोरी का डॉग आया था जी वो उन दोनों पार्टियों को आपस में कंप्रोमाइज़ करवा दिया था। जिसने ख़रीदा था वो भी कह रहा है कि मैं वापस कर दूंगा, और उसके जो बकाया पैसे थे वो कह रहे मैं दे दूंगा, और उनका दोनों का मसला प्यार मोहब्बत से मामला सुलझा दिया जी। बिल्कुल, हमने प्यार मोहब्बत से, हमारा फ़र्ज बनता है कि प्यार इखलाक से आवाम के पेश हुए, क्योंकि हम आवाम के मुहाफ़िज़ हैं। ठीक है, नाम क्या आपका? सर मेरा नाम उमर है। चलें, बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह। थैंक यू सर, थैंक यू। तो व्यूअर्स, ये कुछ डॉग था जो तनाज़ा का बाइस बना। आप लोग देख सकते हैं ये चोरी का डॉग था और ये मार्केट में आया था। जिन साहब ने ख़रीदा था डॉग उनको भी नहीं पता था कि ये चोरी का डॉग है, लेकिन ये मार्केट में लेकर आया तो ये पकड़ा गया कि चोरी का डॉग है। जिनका डॉग था उन्होंने तस्वीरें तक दिखाई हैं कि उनका डॉग है, और अब मसला हल हो चुका है। वो पेमेंट लेकर आ रहे हैं, उनको पैसे देंगे, उसके बाद ये डॉग वापस लेकर चले आएँगे। तो व्यूअर्स, यहाँ पे हम लोग साकिब भाई के पास मौजूद हैं। आप लोग को बता दूं कि ये शख्स जो है पिछली दफ़ा भी आए थे, उन्होंने शिकायत कही थी कि इनका जो हस्की है वो प्योर ब्रीड नहीं है, और साकिब भाई ने भी बताया था कि प्योर ब्रीड है। अब आप लोग को ये बताता हूँ कि असल में हुआ ये है कि इनको चाहिए था लॉन्ग कोट में। लॉन्ग कोट के प्राइस डिफरेंट होते हैं शॉर्ट कोट में। ये शॉर्ट कोट में डॉग है, इनको चाहिए था लॉन्ग कोट में, ये डिफाइन नहीं कर पा रहे थे, बता नहीं पाए थे साकिब भाई को, और साकिब भाई ने भी इस चीज़ को समझा नहीं और उनको शॉर्ट कोट में दे दिया। तो दरअसल यहाँ पर थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, लेकिन ये डॉग जो है बिल्कुल प्योर ब्रीड है हस्की में। हस्की में शॉर्ट कोट है और इनको चाहिए था लॉन्ग कोट, तभी ये बेचारे मार्केट में आ रहे हैं और इसको सेल करने की कोशिश करें ताकि इनके पैसे मिल जाए और ये लॉन्ग कोट में फिर परचेज कर लें। जी बिल्कुल ऐसा ही, आपको लंबे बालों वाला चाहिए डॉग? जी जी, साकिब भाई से लंबे बालों वाला चाहिए। आपको कम बालों वाला मिला तो आप कहने के ये प्योर ब्रीड नहीं है? नहीं, जिनको हमने दिखाया था उन्होंने तो बोला ये प्योर नहीं है। किसको दिखाया था? डॉक्टर्स को दिखाया था, उनका कार्ड भी है। देखें डॉक्टर तो ये भी बताते हैं आपको ये बीमारी है, बहुत सारी देखें मैं आपको बताऊं, डॉक्टर तो ये बताते हैं आपको ये बीमारी, जबकि ऐसा होता तो नहीं है। बहुत सारे डॉक्टर, उनका कार्ड है मेरे पास और उनकी वो रसीद भी है, 2,000 रुपये की रसीद बनी थी जब इसको मैं लेके गया था। इसकी जब तबीयत खराब हुई थी आपको बताया था मैंने तब, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो ब्रीड है ना, ये जो ब्रीड है, डॉक्टर्स कुछ भी कह रहे हैं लेकिन आपको मैं बताऊं कि ये जो ब्रीड है हस्की की, ये प्योर ब्रीड है, ये बिल्कुल प्योर ब्रीड है, ये शॉर्ट कोट में, लॉन्ग कोट में नहीं है। ठीक है, तो मैंने इनसे कहा था कि पैसे और पर ले लें, लॉन्ग कोट दे दें मैं, तो इन्होंने 2-3 दिन का वादा किया था, अभी तक तो वादा पूरा नहीं हुआ। जी साकिब भाई, यही बात थी लॉन्ग कोट का, इनको डॉग चाहिए, आप इस चीज़ को समझ नहीं सके। समझ पा रहा था, इनको लॉन्ग कोट चाहिए। अभी इन्होंने थोड़ी देर पहले मेरे पास आए थे, आपके आने से पहले यही कह रहे थे, यार हम डिफेंस गए थे तो वहाँ अलस्कन माला म्यूट आया हुआ था, तो वो देख के बड़ी खुशी हो रही थी, बोले ऐसा कुत्ता चाहिए, तो लॉन्ग हेयर में होता है तो ज़बरदस्त होता है, सॉफ्ट, तो इनको वो चाहिए था इनकी बेटी को, यानी कि। तो अब मेरे को समझ में आ गया है इंशाल्लाह, अब जो भी माल आएगा ना, अभी पिछले संडे भी मेरे पास माल आया लेकिन वो बहुत महंगा था असल में ना, लॉन्ग कोट के जो होते हैं महंगे होते हैं। अभी मैंने इनको समझाया, इन्होंने बोला यार कोई मसला नहीं है कि हम पैसे ज़्यादा भी दे देंगे, लेकिन चीज़ हमें ना बड़े बालों वाली और ब्लू आइज में अच्छे खूबसूरत बेहतरीन चीज़ चाहिए। तो मैंने बोला भाई जो भी चीज़ मेरे पास आएगी वो मैं आपको चेक कराऊंगा, आपके घर वालों को दिखाऊंगा, अगर समझ में आया बेहतरीन हुआ, पैसों में समझ में आ गया तो आपको दे देंगे, ये मैं आपसे वापस ले लूँगा, कोई मसला नहीं है, कोई इशू वाली बात नहीं, मैं ये खुद रख लूँगा या तो सेल आउट कर दूँगा कोई ना कोई, जिसको समझ में आएगी। मामला कब तक सॉल्व हो जाएगा? कराची के माहौल में जैसा जो टेम्परेचर होता है उस हिसाब में रखने के लिए बहुत बेहतरीन नहीं है, गारंटी नहीं है कब तक। कराची के एनवायरनमेंट के लिहाज से तो काफ़ी सही है, क्योंकि इसके हेयर भी कटिंग नहीं करने की ज़रूरत है, ट्रिम करने की ज़रूरत नहीं है, और ये बड़ी होगी ना अभी, इसके हेयर अभी थोड़े और बड़े होंगे, लॉन्ग कोट में भी लेते हैं उसके बाल काटने पड़ते हैं, और ये बचपन से कराची में पली है, यानी कि ये एडजस्ट हो चुकी है यहाँ पे, तो ये इंशाल्लाह
अब इसको कोई कुछ नहीं होगा अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह। वैक्सीन भी हो गई है और बेहतरीन यहाँ का माहौल के हिसाब से सेट हो गई है। बाकी मेरे पास जब भी जैसी भी माल आएगा ना, पहले मैं आज़म भाई को दूंगा इंशाल्लाह, उसमें से दिखाऊंगा तीन चार जो भी जानवर आएंगे दिखाऊंगा, जो समझ में आया एक इनको दे दूंगा, बाकी जिनको देता हूँ मैं उन्हीं को दे दूंगा माल इंशाल्लाह। तो व्यूअर्स आप लोगों को बता दूं, जब भी आप हस्की ख़रीदने के लिए हैं आप लोग एक चीज़ को जहन में ज़रूर रखें, हस्की में दो नस्लें आती हैं, दो किस्म के हस्की आते हैं, एक अलास्कन आता है जो लॉन्ग कोट में होता है, और हस्की में दो टाइप के हस्की होते हैं, जो लॉन्ग कोट में होता है और एक स्टैंडर्ड कोट में होता है शॉर्ट कोट। जो भी आप लोगों ने देखा ये शॉर्ट कोट है, स्टैंडर्ड कोट है, और इसमें आता है एक लॉन्ग कोट और एक होता है अलास्कन हस्की। तो एक डॉग लवर यहाँ पे और मौजूद हैं, इनका एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, इनसे मालूम करते हैं कि डॉग प्योर है क्रॉस है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए खैरियत से? अल्लाह का शुक्र फर्स्ट क्लास। जी ये बताएं, आपने हस्की देखा, ये बताएं प्योर है क्रॉस है? ये एकदम प्योर है, कोई इसमें मिलावट नहीं है, ब्लू ही आइज़ में है, कि मैंने लास्ट वीडियो भी देखी थी इनकी, तो ये यही कह रहे थे कि ब्लू आइज़ नहीं है, ब्लू ही आइज़ है, ओरिजिनल है, सिर्फ ये शॉर्ट कोट है। शॉर्ट कोट की वजह से इन्हें थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है कि ये चाह रहे हैं लॉन्ग कोट, इनकी जो डॉटर हैं उन्हें जो चाहिए वो चाह रही हैं कि लॉन्ग कोट में होए, क्योंकि वो देखती रहती होंगी ना बड़े बालों वाले और ब्लू आइज़ में, उनकी लुक बड़े बालों की वजह से लुक ज़रा निखरी होती है, इसकी इस वजह से लुक थोड़ी कम आ रही है कि ये शॉर्ट में है। अभी इसकी एज कम है, जब इसकी एज ज़्यादा होगी ऑटोमेटिकली अपनी लुक में आएगा, लुक में जब आएगा ऑटोमेटिकली ये पता चल जाएगा क्या चीज़ है ये ओरिजिनल एक नंबर है। अपने तमाम देखने वालों को मैं बता दूं, ये दो नंबर चीज़ नहीं है, एक नंबर चीज़ है, ये कंफर्म है। शुक्रिया। अच्छा साकिब भाई, आपसे मैं यही कहना चाहूँगा कि आप जो है जो भी कोई ख़रीदने के लिए आए ना, आप उनसे मालूम करा करें कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, कौन सी नस्ल का डॉग चाहिए, किस वैरायटी का चाहिए, किस किस्म का डॉग चाहिए, उसके बाद आप उनको दिया करें। यार बहुत टाइम से मैं देता हूँ लोगों को और चेक करा के देता हूँ, हर चीज़ ओके करके देता हूँ, सही है, बस ये फर्स्ट टाइम ऐसा ही हुआ है, बाकी अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह, आगे ये भी नहीं होगा। साकिब भाई का एक दिन का काम नहीं है, ये एक दिन का काम नहीं है, ये तो रेगुलर है, हर संडे आते हैं, हर संडे आते हैं, इन्होंने कहीं भाग भी नहीं सकते, छुप भी नहीं सकते, तो ये फेक चीज़ किसी को दे ही नहीं सकते, गलत चीज़ किसी को दे ही नहीं सकते, हमारा भी वास्ता किसी टाइम से पड़ा हुआ है इनके साथ, हम भी इकट्ठे ही हैं, तो इंशाल्लाह किसी के साथ कोई धोखा फ्रॉड नहीं कर सकते, ये तो चीज़ मिलेगी इनको, एक ही नंबर मिलेगी, जिसको भी देंगे एक नंबर देंगे भाई। धोखा फ्रॉड करके फ़ायदा क्या है ये बताओ यार, यहाँ तो बदनाम होगा होगा बंदा और अल्लाह की नज़र में भी गिर जाएगा बंदा, फ़ायदा क्या ऐसे पैसों का, ऐसे पैसा जैसी बात है, गलत काम करेंगे तो फिर अल्लाह की भी लाना थे ना, झूठे पे और धोखेबाज पे अल्लाह ताला की भी लाना थे। जी साकिब भाई, क्या लेकर आए मार्केट में? जी ये शेफर्ड लाया हूँ, ठीक है, और इसकी फ़ीमेल भी है, और एक रशियन का पपी लेके आया हूँ। अच्छा ये जर्मन शेफर्ड है? जर्मन शेफर्ड है लेकिन ए क्वालिटी का नहीं है, क्रॉस ब्रीड है, क्रॉस है लेकिन क्रॉस नहीं है, यानी लो क्वालिटी है, क्वालिटीज़ आती है ना, कोई हाई क्वालिटी आती है, कोई नॉर्मल आती है, कोई लो क्वालिटी आती है, तो ये लो क्वालिटी में लेके गार्ड डॉग के लिए बेहतरीन है, गार्डिंग के लिए चौकीदार। अच्छा ये बताएं इसकी डिमांड क्या कर रहा हूँ? या इसके 30 मांग रहा हूँ, 25 में इंशाल्लाह दे दूँगा, 25 में दे दूँगा गार्ड, जिसको चौकीदारी के लिए चाहिए तो उसके लिए बेहतरीन है ये। अच्छा एग्रेसिव तो नहीं है? एग्रेसिव नए बंदों के लिए जाहिर सी बात है एग्रेसिव है, और जो बंदा लेगा एक दिन रखेगा उसका सेट हो जाएगा। अच्छा इसकी एज कितनी है? इसकी एज होगी ज़्यादा से ज़्यादा 10 महीने या साल के अंदर अंदर है। अच्छा वैक्सीनेशन हुई है इसकी? वैक्सीनेशन हुई है, रात को ही मेरा दोस्त लेके आया, वो मैं से लेके गया हुआ था, तो उनका अचानक बाहर का प्रोग्राम हो गया, बाहर जा रहे हैं, तो उन्होंने बोला कोई देखभाल करने वाला नहीं, इसलिए आप ले लो, आप सेल कर देना, मैंने चलो ठीक है। ठीक है क्या खिला रहे हैं इसको? ये वही कीमा चावल खाते हैं माशाल्लाह से बड़े कुत्ते तो कीमा चावल शौक से खाते हैं, सस्ता भी पड़ता है यार, कल्ले का गोश्त मिलता है सस्ता, और चिकन लो, चिकन आजकल बहुत महंगी हुई हुई है। जी साकिब भाई, ये रशियन का पपी है? जी रशियन सम वाइट की फीमेल है, मादी है, पप्पी है अभी? पप्पी है जी जी बिल्कुल। इसकी उम्र कितनी है? ये होगी 2.5 से 3 महीने की होगी। अच्छा वैक्सीनेशन हुई है इसकी? नहीं यार मैंने पूछा ही नहीं उनसे, बस मुझे अच्छी लगी तो मैंने ले ली, असल में कस्टमर भी मेरे से मांग रहे थे ना यार कोई रशियन का पप्पी दो, पिंक नोस में कोई अच्छा सा बच्चा आया तो ब्राउन आई से, और पिंक नोस में बहुत खूबसूरत बनेगी, बड़े हो गई ये फीमेल। इसकी डिमांड क्या कर रहा हूँ? जैसे इसके 12 मांग रहा हूँ, सही है, मतलब 15,000 की चीज़ है, 12 मांग रहा हूँ, 10 में दे दूँगा इंशाल्लाह। ठीक है अभी इसको खिलाते क्या हैं? यार इसको तो अभी लेके जाऊंगा तो खिलाऊंगा ना कुछ जो दूसरों के लिए पकाऊंगा वही सब कुछ खाएगी, घर की पली हुई ना और चीज़ खाएगी। असल में पपी इसको ध्यान से खिलाना पड़ता ना कि हैवी डाइट ना खिलाते हैं, ज्यादा पैसे करें, छोटा पपी नहीं है ये, महीने तक का हो ना बच्चा, उसको चलो परेशानी होती खिलाने पिलाने में, मैं बोलता हूँ 25 दिन से लेके 1.25 महीने तक यानी 1.5 महीने तक सहरी ले खिलाना चाहिए बच्चों को, बच्चे सेट रहते हैं, 1.5 महीने के बाद आप कुछ भी खिला सकते हैं उसको, चिकन चावल मिला के खिलाएं, चिकन का रेशा बना लें बॉईल करके और चावल मिक्स पका के उसी के पानी में, चिकन जिसमें उबालें ना
उसी पानी में चावल डाल के पका लें और ऊपर से चिकन का रेशा डाल के दो बोटियों का वो खिलाएं बच्चों को डेढ़ महीने के बाद, तीन महीने के बाद जो दिल जाए खिलाएं, फिर सेट हो जाता है बच्चा, फिर ख़राब नहीं होता। जब तक वैक्सीन भी हो जाती है उसकी कम्प्लीट, तीनों के वैक्सीनें लग जाती हैं 3 महीने के बच्चे को, उसके बाद बच्चों को कुछ नहीं होता, फिर सेट हो जाते हैं। ठीक है, और क्या लेकर आया साकिब भाई? जी है, ये फीमेल है या ये जर्मन शेफर्ड की? हाँ, ये जर्मन शेफर्ड मैंने पिशावर से मंगवाई थी। इसकी क्वालिटी कैसी है? ये भी लो क्वालिटी है। लो क्वालिटी है हाँ, लेकिन ये अच्छे मेल से अगर मेड हुई ना तो बहुत अच्छे बच्चे करेगी। ब्रीडर मादी है, एक बार ब्रीड करी हुई है इस मादी ने। ठीक है, बताएं इसकी डिमांड कितनी है? या इसके 35 में दे दूंगा इंशाल्लाह, ये मैं 35 में। जी जी जी। और ये बताएं इसकी एज? अच्छी मादी है, इसकी एज होगी एक बार बच्चे थी 1.5 साल तक की है, लेकिन अभी ब्रीड दिया इसने, एक बार ब्रीड करी हुई है जी। ठीक है, ये बताएं कि इसकी वैक्सीनेशन तो हुई है ना? वैक्सीनेशन इसकी भी साफ सुथरी, हेल्थ देखें माशाल्लाह, हेल्दी है माशाल्लाह, जबरदस्त। कोई डबल कोट में नहीं, बिल्कुल फ्रेंडली है, बच्चे भी लेके घूम सकते हैं, घुमा सकते हैं, और पोटी ट्रेन है, शेक हैंड करती है, खेलती है, बहुत अच्छी है माशाल्लाह। ठीक है साकिब भाई, फाइनल इसकी 35 से कम नहीं? 35 तक दे दूंगा इंशाल्लाह, 35 से कम नहीं होंगे इसके? कुछ ना कुछ कर लेंगे, चलो यार, कोई जैसा बंदा होगा वैसे पैसे कर लेंगे इंशाल्लाह, थोड़ा बहुत कम। कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करना जी, 0312-2912-531। अच्छा ये भी बता दें व्यूवर्स को, आज मार्केट के सिरे में देख रहा हूँ सेलर बहुत कम है मार्केट के अंदर। आज तो ना होने के बराबर है, आज सिर्फ माल खरीदा है, अभी तो कुछ बिका नहीं है, ना कोई पूछने आया है। हाँ, एक बच्चा बेचा है वो गुलटेर का, आज मैं गुलटेर के पपीज भी लाया था। एक मिनट, गुलटेर बच्चा देखा? अच्छा ये भी लेकर आया था, ये जो पपी लेके आया था 2-3 दिन से एक बंदा बोला था यार बच्चे हुए हैं तो आप ले लें, तो अभी रास्ते में जब मैं सुबह आ रहा था, मैंने बोले संडे को सुबह कॉल कर लेना, मैं जब आ रहा था रास्ते में तो रास्ते में ही परचेस किए मैंने दोनों बच्चे। एक मेल मैंने दे दिया, ये फीमेल बची है, ये भी एक दो बंदे मांग रहे दे दूँगा यार। 15,000 रुपये का एक बच्चा है ये, 15,000 रुपये का? हाँ, वो ज़रा बंदा ज़रा गरीब था इसलिए 10,000 में दे दिया मैंने उसको, मैंने चलो यार आप शौक कर लो पूरा। अच्छा, और कोई गरीब भी आया था उसको भी 10,000 में दे दिया? हाँ दे देंगे भाई, गरीबों के लिए हम आसरा नहीं करेंगे इंशाल्लाह। कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करता जी, 0312-2912-531। चले बहुत शुक्रिया साकिब भाई। ओके भाई, अल्लाह पाक खुश रखे, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? खैरियत से हैं रजा जी, अल्लाह का शुक्र है। क्या लेकर आया आज? आज कैट्स के बेबी इस्लाम और रशियन का एक मेला। कैट्स कौन सी है? ये पर्शियन है। पर्शियन है ये जी? अच्छा, लॉन्ग कोट में शॉर्ट कोट में? ये शॉर्ट कोट में, ये ब्राउन वाली लॉन्ग कोट में। अच्छा, क्या डिमांड है इनकी? ये 8,000-8,000 का पेयर है दोनों। 8,000 रुपये का पेयर दे रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा डॉग की कौन सी ब्रीड लेकर आए? ये डॉग की रशियन ब्रीड है, रशियन ब्रीड है लॉन्ग कोट। ठीक है, क्या डिमांड कर रहे हैं इसकी? इसकी 15,000 जी। डाइट में क्या दे रहे हैं इसको आप? डाइट में ये सारी चीज़ें खाता है, चिकन भी खाता है और रोटी भी खाता है, दूध डबल रोटी, डॉग फूड खिलाना चाहें तो डॉग फूड भी खा लेता। एज कितनी है इसकी? इसकी एज 1 ईयर है। 1 ईयर इसकी एज है। ठीक है, बताएं इसको ट्रेन किया आपने? जी ये ट्रेन तो फिलहाल नहीं है, लेकिन इसकी वैक्सीन हुई है, पोटी ट्रेन है। ठीक है, इसकी फाइनल डिमांड बता दें? फाइनल डिमांड इसकी 12,000 हो जाएगी। अच्छा, आज कैट्स लेकर आए हो, ये रशियन लेकर आए जी? और इसके अलावा हमारे पास जर्मन शेफर्ड का प्योर बेबी खड़ा है मेल, और जो है एक बुली का मेल है, बड़ा फाइटर मेल है, चैम्पियन, वो उसकी 4 साल उम्र है। ठीक है, चलें, अगर किसी को चाहिए होगा तो कांटेक्ट कर लेगा, कांटेक्ट नंबर शेयर कर लें, 0313317-1024। आज गर्मी कैसी है रजा? कराची में गर्मी लगी? गर्मी बहुत है कराची। हैदराबाद का मौसम कैसा है? हैदराबाद का मौसम इससे तो ठंडा है, ठंडा है इस वक्त जी। अभी कराची में ठीक ठाक गर्मी है, यहाँ गर्मी है, पसीने आ रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं आप? बहुत ज़्यादा गर्मी आ जाए। चले बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह। ठीक है, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? खैरियत से जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी। ये बताएं कौन सी ब्रीड लेकर आए? ये अमेरिकन लैब है। अच्छा, प्योर है, क्रॉस है ये? जी प्योर है ये। पेडिग्री है? नॉन पेट है। ठीक है, ये बताएं क्या डिमांड कर रहे हैं इसकी आप? इसकी मैं 35 डिमांड कर रहा हूँ। 35,000 रुपये डिमांड कर जी। इसकी एज कितनी है? इसकी 19 मंथ्स एज है। ये बताएं क्या खिला रहे हैं इसको डाइट में? इसको मैं कल्ले का गोश्त हो गया, कीमा हो गया, ये सब चीज़ें। ठीक है, बताएं आपने इसको ट्रेन किया? जी बस ये कि सिट पे ट्रेन है और पॉटी ट्रेन है। ठीक है, इसके अलावा इसकी वैक्सीनेशन हुई हुई है? वैक्सीनेशन हुई हुई है, लेकिन कार्ड नहीं है इसका भी। कार्ड नहीं, आप कार्ड नहीं बना हुआ जी। ठीक है, इसके दोबारा वैक्सीन कब होगी? इसको वैक्सीन अब अभी करवाना पड़ेगी आपको, ये दोबारा करवानी पड़ेगी, खत्म हो गई वैक्सीन इसके। ठीक है, बताएं कि फाइनल डिमांड कितनी हो जाएगी अगर कोई खरीदना चाहता हूँ? 27,000-28,000 रुपये में कर देंगे फाइनल। ठीक है, बताएं मार्केट में ला के सेल करने की वजह क्या है? सर इसको संभालना बहुत मुश्किल हो रहा है, पहले एक टाइम दे पा रहा था मैं, अब ये कि यूनिवर्सिटी शुरू हो गई है मेरी, तो इस वजह से मुश्किल हो रहा है इसको संभालना। अच्छा, यूनिवर्सिटी की वजह से आप इसको टाइम नहीं दे पा रहे जी। ठीक है, ये बताएं कि आपकी रिहाइश किधर है? मेरी गुलशन में मार। ठीक है, अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करना, 0315-010-7019। नाम क्या आपका? दानियाल मीर। चलिए बहुत शुक्रिया। ओके सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? खैरियत से जी? ठीक। ये बताएं कौन सी ब्रीड लेकर आए? ग्रेट पायनियर। ये कहाँ की ब्रीड है? ये अमेरिका पहाड़ी इलाकों में रहती है।
क्या डिमांड कर रहे हैं इसके आप? इसके 15 मांग रहा हूँ। 15,000 मांग रहे हैं। अच्छा ये बताएं डाइट में क्या खिला रहे हैं इसको? डाइट में घर का खाना खाते हैं और बाकी पंजे देते हैं। ठीक है, इसकी एज कितनी है? एज इसकी 1.5 साल है तकरीबन। 1.5 साल इसकी एज है। ये बताएं अग्रेसिव तो नहीं है, काटता तो नहीं है? अग्रेसिव दूसरे कुत्तों पर होता है, वैसे घर पर किसी को आने नहीं देता बाहर के। अच्छा ये बताएं, के लिए सही है बिल्कुल। मेल या फीमेल है? मेल है ये। वैक्सीनेशन करवाई आपने? वैक्सीनेशन कराई लेकिन घर पे भूल के लाए नहीं है कार्ड। ठीक है, ये बताएगा कोई खरीदना चाहेगा फाइनल कितने के देंगे ब्रीड? फाइनल दे देंगे 10-12 में दे देंगे। 10-12 में दे देंगे। आपका नाम क्या है? अहमद। कॉन्टेक्ट नंबर शेयर कर दें अपना। 03-00-9262-514। चले बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? खैरियत से हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जी बताएं कौन सी ब्रीड लेकर आए मार्केट में? ये जर्मन शेफर्ड है। जर्मन शेफर्ड है। प्योर है क्रॉस है? ये प्योर है। प्योर है। पेडिग्री नॉन पेडिग्री? पेडिग्री क्या मतलब? मतलब इसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं? नहीं, पेपर्स वगैरह हैं, यानी नॉन पेडिग्री है। ठीक है, बताएं कौन से लाया था बच्चा? कहाँ से लाए थे? गांव से लेकर आए थे आप। ठीक है, बताएं कि क्या डिमांड कर रहे हैं इसके आप? 25,000। 25,000। ठीक है, बताइएगा इसकी एज कितनी है इस डॉग की? 8 महीने। 8 महीने के। 8 महीने के डॉग है। अच्छा ये बताएं मेल है या फीमेल है? नर है। नर है ये। तो दिखाना कैमरे की तरफ। ओके। ठीक है, ये बताएं इसकी वैक्सीनेशन करवाई आपने? ठीक है, लगवाए। रेबिस के लगे हैं? लगे हुए। चमड़े के भी लगाए और काटने वाला भी लगाए। ठीक है, बताएगा कोई खरीदना चाहेगा फाइनल कितने के देंगे ब्रीड? 2-3 हज़ार रुपये कम कर लेगा भाई। ठीक है, अपना नाम बताएं, कॉन्टेक्ट नंबर शेयर कर दें। रुस्तम नाम है मेरा। 0315-38-75-370 नंबर है मेरा। अच्छा ये बताएं मार्केट में ला के इस तरह से सेल क्यों कर रहे हैं, क्या वजह? बस उधर मादी है, वो अभी बच्चे देगा रमज़ान में इंशाल्लाह, इसलिए इसको बेच रहे। जगह की वजह से? हाँ। चलें बहुत शुक्रिया। रात को तेरे वीडियो देखे थे हमने, बोला चले मार्केट। चलें बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुने? अल्लाह का शुक्र। ये बताएं कौन सी ब्रीड लेकर आए हैं? ये सर अंडर ट्रेलमैन। अच्छा क्या डिमांड कर रहे हैं इसके आप? इसके 35,000। अच्छा ये बताएं कहाँ की ब्रीड है ये सर? ये घर में किसी दोस्त ने गिफ्ट दिया था, वो सेठ ने पाला है। अच्छा ये बताएं इसकी एज कितनी है अभी? उम्र? उम्र 1 साल है। उम्र 1 साल है। क्या खिला रहे हैं इसको आप? इसको हम चिकन बॉइल करके और अपना हड्डियाँ और पंजे वगैरह। ये ठीक है, बताएं आपने ट्रेन किया इसको? हाँ ट्रेन किया, एक दिन में बंदा घर का हो जाता है। ये ट्रेनिंग में क्या क्या सिखाया आपने इसको? ट्रेनिंग में हम इसको ये जंपिंग भी कर सकता है, और किसी को आप फॉलो करते तो किसी को पीछा करने में एक नंबर, किसी को नहीं उसी को जाके फॉलो करके पीछा करेगा, ये इसमें इसकी खासियत है। ठीक है, ये बताएं कि इसकी वैक्सीनेशन करवाई आपने, टीके लगे? हाँ सब कुछ। तो व्यूअर्स ये थी डॉग मार्केट की अपडेट, यहाँ पे हमने मुख्तलिफ डॉग देखा। आज आपको बता दूँ कि डॉग काफ़ी कम आए थे, वीडियो बनाना चैलेंज था। उसकी वजूहत ये थी कि कराची में काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, 40 डिग्री का टेम्परेचर है। इसके अलावा साथ साथ यहाँ पर ब्रीड भी बहुत कम आई थी, लेकिन हम लोगों ने ढूंढा, जो भी ब्रीड आई थी आपकी खिदमत में पेश किया, आपको ब्रीड दिखाई यहाँ पर। उम्मीद करता हूँ कि आप आज डॉग की प्राइस से अपडेट हो गए होंगे। अगर आप लोग इसी तरीके से अपडेट रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाएँ ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो पहले मिले। इंशाल्लाह हमारी टीम फिर दोबारा अगले संडे हाजिर होगी। जब तक के लिए अल्लाह ताला आप तमाम व्यूअर्स को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, आप लोग को आप लोग के अहले खाना के साथ खुश रखे। आमीन। जज़ाकअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।